बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनटू द वुड्स। कहानी की शुरुआत में एक बेकर और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जिनकी कोई भी संतान नहीं होती। इस बात से वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और एक रात को उनके घर में एक चुड़ैल यानी कि विच आती है। बेकर उसे कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विच कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आई बल्कि तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। बहुत सालों पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिता यहाँ पर रहने के लिए आए थे। उस वक्त तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें सिर्फ हरी सब्जियाँ खाने का मन करता था, इसीलिए एक रात को तुम्हारे पिता मेरे बागीचे में हरी सब्जियाँ चोरी करने के लिए आए। अगर मैं चाहती तो उन्हें एक डॉग, कुर्सी या मूर्ति बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा उसे मैं ले लूंगी। तुम्हारे पिता वहां से भागने लगे, लेकिन वहां से वो स्पेशल बीन्स भी लेकर चले गए जो मेरी मॉम ने मुझे दिए थे और वॉर्न किया था कि कभी भी इन्हें खोना मत, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारे पिता बीन्स को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकी जिससे मुझे भयानक रूप मिला। और जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे ले लिया। साथ ही तुम्हारे परिवार को श्राप भी दिया कि कभी भी तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा नहीं होगा, ताकि तुम्हारा फैमिली ट्री हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफन हो जाए। बेकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है, क्या मेरा कोई भाई है? विच कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वो मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और अगर तुम चाहते हो कि श्राप तुम्हारे खानदान से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेरे लिए 3 दिन के अंदर 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा। ये खास दिन होता है जो 100 साल में एक बार निकलता है। पहली एक गाय जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक केप जो खून की तरह लाल हो, तीसरा एक बाल जो कॉर्न की तरह पीला हो, और चौथा एक सैंडल जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जंगल में जाओ ताकि तुम्हें सारी चीजें मिल सके। अब जाने से पहले बेकर की वाइफ उसके पास एक कोट लाती है, लेकिन बेकर उसे फेंक देता है। वो कहता है कि ये मेरे पिता का था, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। बेकर की वाइफ देखती है कि उसके पिता के कोट की जेब से बीन्स गिरे हैं। वो समझ जाती है कि ये वही जादुई बीन्स हैं जो आज से कई साल पहले बेकर के पिता ने विच के बागीचे से चुराए थे। वो उन बीन्स को भी अपने साथ रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंड्रेला है, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। घर का सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। और एक दिन जब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन राजा के जश्न में जा रहे होते हैं, सिंड्रेला भी वहां पर जाना चाहती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम अपनी ड्रेस देखो, अपनी सैंडल्स देखो, वहां पर सब लोग तुम पर हंसेंगे। इन कपड़ों में तुम राजकुमार के सामने डांस करना चाहती हो। उसकी सौतेली माँ जानबूझकर वहां पर दाल बिखेर देती है और कहती है कि पहले एक काम करो। उन तीनों के जाने के बाद सिंड्रेला जंगल में जाती है जहां पर उसकी मॉम की कब्र है। सिंड्रेला अक्सर यहां पर आती है। उसने अपनी मॉम की कब्र पर एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज उसके आंसुओं से इतना बड़ा हो चुका होता है। वहां पर वो कहती है कि आई विश। तभी उसे उसकी मॉम की आत्मा उस पेड़ पर दिखती है और उसकी मॉम कहती है कि जो भी तुम्हारी विश है वो मांग लो। और अगले पल सिंड्रेला के कपड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके शरीर पर एक बहुत ही सुंदर पोशाक आ जाती है और साथ ही उसके पैरों में सुनहरी सैंडल्स। वही जंगल में बेकर उन 4 चीजों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसने केप पहना होता है जिसका रंग खून की तरह लाल है। इस लड़की को बेकर पहले से जानता है। यहाँ पर अब विच भी आ जाती है। बेकर कहता है तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले लेती? विच कहती है कि मैं उन 4 चीजों में से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकती। विच वहां से चली जाती है। बेकर उस लड़की के पास जाता और उससे उसके केप को जबरदस्ती छीन लेता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, इसीलिए बेकर को उसका केप उसे वापस लौटाना पड़ता है और वो लड़की वहां से निकल जाती है। दरअसल वो अपनी दादी के घर जा रही होती है। अब यहाँ पर बेकर की पत्नी भी आ जाती है और इन्हें इस जंगल में एक लड़का दिखता है जिसके पास गाय होती है जो दूध की तरह सफेद है और इन्हें इसी गाय की जरूरत है। ये उस लड़के के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का बताता है कि मैं शहर इस गाय को बेचने जा रहा था पर मैं अपना रास्ता भूल गया। बेकर उससे पूछता है कि तुम इसे कितने में बेचना चाहोगे। वो लड़का कहता है कि 5 पाउंड्स में, लेकिन बेकर और उसकी पत्नी के पास एक भी पाउंड नहीं होता। बेकर की पत्नी कहती है कि हमारे पास 5 बीन्स हैं जो कि मैजिकल बीन्स हैं। इसके बदले अगर तुम अपनी गाय देना चाहो तो हम तुम्हें बीन्स दे सकते हैं। हालांकि वो अपनी गाय
कभी भी बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इस डील के लिए मान जाता है। वो बेकर से कहता है कि एक दिन मैं अपनी गाय तुमसे वापस ज़रूर लूँगा। वो बीन्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब इनके पास एक चीज़ आ चुकी है। इसके बाद बेकर उस तरफ जाता है जिस तरफ वो लाल केप वाली लड़की गई थी। वहीं वो लड़की अपनी दादी के घर पहुँच जाती है, पर वहाँ पर एक भेड़िया भेष बदल कर लेटा होता है जो पहले उसकी दादी को खा चुका होता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों हैं? तभी बाहर बेकर एक चीख सुनता है और जब बेकर घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक भेड़िया भेष बदल कर सोया हुआ है। उसने उस लड़की को और उसकी दादी को खा लिया है। बेकर उस भेड़िया का पेट फाड़ कर लड़की को और उसकी दादी को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो लड़की बेकर को अपने लाल रंग का केप दे देती है जो बेकर को चाहिए था, और अब बेकर के पास दो चीजें हो चुकी हैं। वहीं सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो अपनी सुंदर पोशाक पहनकर राजा की पार्टी में राजमहल गई थी। वो वहां से भाग रही होती है। दरअसल उसने वहां पर राजकुमार के साथ डांस किया था और राजकुमार उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए राजकुमार उसका पीछा भी करता है। पर सिंड्रेला जंगल में पहुंच जाती है जहां पर बेकर्स की वाइफ जो कि गाय लेकर घर जा रही होती है वो उसे देख लेती है। सिंड्रेला वहीं पर छुप जाती है और तभी वहां पर राजकुमार आता है। राजकुमार बेकर्स की वाइफ से पूछता है क्या तुमने यहां से किसी लड़की को जाते हुए देखा? वो मना कर देती है। राजकुमार वहां से चला जाता है। सिंड्रेला और बेकर्स की वाइफ बातें कर रहे होते हैं और तभी बेकर्स की वाइफ देखती है कि उसके पैर में जो सैंडल है वो सुनहरे रंग की है और ये वही सैंडल है जो उसे चाहिए। वो इससे पहले कि उसकी सैंडल मांगती उसकी गाय यहाँ से भाग जाती है, इसीलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है, पर ना उसे गाय मिलती है और ना ही सिंड्रेला की सैंडल। अगली सुबह वो राजकुमार को दोबारा देखती है जो अपने छोटे भाई के साथ होता है। उसका भाई कहता है कि यहाँ जंगल में एक टार है जहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, पर उसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे हैं, वो कौन की तरह सुनहरे हैं। मैंने कहा रुपंजल अपने बाल नीचे फेंको। उसने अपने बाल नीचे फेंके जिससे चढ़कर मैं ऊपर चला गया। ये बात बेकर्स की पत्नी सुन लेती है और उसे भी ऐसे बाल चाहिए जो कौन की तरह पीले हो, इसीलिए वो उस टावर के पास जाती है और कहती है कि रुपंजल अपने बाल नीचे फेंको। तभी वहां पर एक सुंदर लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है जिसे विच ने अपनी कैद में रखा हुआ है, पर इसे नहीं पता कि विच ने इसे चुराया था। ये विच को अपनी मॉम समझती है। बेकर की पत्नी नीचे से कहती है कि रुपंजल अपने बाल नीचे फेंको और वो अपने बाल नीचे फेंक देती है, जिन्हें बेकर्स की पत्नी काट कर यहाँ से भाग जाती है और वो सीधा जंगल में अपने पति के पास जाती है जहाँ पर उसके पति ने गाय को भी ढूंढ लिया होता है, यानी कि अब इनके पास तीन चीजें हैं। वहीं उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसने अपनी गाय इन्हें 5 बीन्स के बदले बेची थी। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है कि तुम बेवकूफ हो। वो उससे बीन्स छीन कर फेंक देती है और अगली सुबह जब वो बच्चा उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ऊंचा पेड़ है जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। वो उस पर चढ़ना शुरू कर देता है और इसके बाद रात को बेकर और उसकी पत्नी के पास एक सोने का अंडा लेकर आता है। वो कहता है कि अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की पत्नी सोने का अंडा देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी सोने का अंडा नहीं देखा, ये तुम्हें कहां से मिला? वो बताता है कि जो जादुई बीन्स तुमने मुझे दिए थे उससे एक बहुत ऊंचा पेड़ होगा जो दूसरी दुनिया तक जाता था, वहीं से मैं सोने का अंडा लेकर आया हूँ। पर बेकर उसे उसकी गाय वापस नहीं लौटाना चाहता और जब ये आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तभी गाय गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और आसमान से आवाज आती है जो कि विच की होती है। वो कहती है कि 2 रातें बीत चुकी हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 और दिन बचा है। इसके बाद विच जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर बेकर्स की बहन रिपंजल से राजकुमार मिलने आया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाल काट देती है। वहीं वो लड़का जिसने बेकर को गाय बेची थी जब वो अपने घर जा रहा होता है तो उसे वो लड़की दिखती है जिसने बेकर को अपनी केप दी थी। वो देखता है कि उसके पास एक बहुत सुंदर केप है और जब वो उससे केप के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हम पे एक भेड़िए ने अटैक किया था जिसे हमने मार दिया और मेरी दादी ने उसी की खाल से केप बनाई है। वो लड़का भी उसे सोने का अंडा दिखाता है और बताता है कि मैं इसे जायंट्स की नगरी से लेकर आया हूँ, वहां पर एक बहुत बड़ी मुर्गी थी जिसने अंडा दिया। वहां पर एक हार्पी है जिसे बिना छुए बहुत ही मधुर संगीत निकलता है। वो लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये सच है तो तुम उस हार्प को लाकर दिखाओ। लड़का उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जायंट्स की नगरी में जाकर
उनका हार्प चुरा कर ले आता है। पर इस बात से एक जाइंट बहुत गुस्सा होता है और वो उसका पीछा करते हुए पेड़ से उतरने लगता है। पर इससे पहले कि वो धरती पर आता, लड़का उस पेड़ को काट देता है जिससे जाइंट की मृत्यु हो जाती है। वहीं एक बार फिर से सिंड्रेला राजमहल के जश्न को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि राजकुमार ने यहाँ पर कुछ लगा दिया था। वो अपने जूते उतार के साइड में बैठ जाती है और बताती है कि वो राजकुमार से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि जब राजकुमार को उसकी असलियत पता चलेगी तो वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपना एक सैंडल वहीं पर छोड़कर दूसरा सैंडल लेकर वहां से निकल जाती है। और जब वो घने जंगल में पहुंचती है तो बेकर की वाइफ एक बार फिर से उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि मुझे तुम्हारा सैंडल चाहिए। सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। बेकर की वाइफ उसे वो बचा हुआ आखिरी जादुई बीन देती है जिसे सिंड्रेला वहीं पर फेंक देती है। पर जब बेकर की वाइफ कहती है कि तुम मेरे जूते ले लो, इससे भागने में तुम्हें आसानी होगी, तो सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपनी सुनहरी सैंडल दे देती है जिसे लेकर वो बेकर के पास पहुंचती है। बेकर भी अब एक दूसरी गाय ले आया होता है और अब यहाँ पर विच आती है। विच कहती है कि ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। बेकर बताता है कि वो मर चुकी है। विच कहती है कि मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने गाय को दफनाया था। यहाँ पर वो लड़का भी होता है जिसकी वो गाय होती है। विच अपनी जादुई शक्ति से गाय को जिंदा कर देती है और इसके बाद एक एक करके उसे सभी चीजें खिलाई जाती है, पर गाय दूध नहीं देती जिसे पीने के बाद श्राप टूटेगा। विच कहती है कि जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। बेकर की पत्नी उसे बताती है कि उन्हें कौन सी चीज कहां से मिली। और जब विच को पता चलता है कि बाल रिपंजल के थे तो इन्हें बताती है कि मैंने उसके बालों को छुआ था, इसीलिए इस नुस्खे ने काम नहीं किया। यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पास एक कॉर्न होता है। वो कहता है कि इसमें भी सुनहरे बाल हैं, क्यों ना हम गाय को इसे खिलाए। और जब गाय को कॉर्न खिलाते हैं तो गाय दूध देना शुरू कर देती है जिसे पीने के बाद विच एक बार फिर से खूबसूरत जवान हो जाती है। वहीं गांव में दिखाया जाता है जहाँ राजकुमार सिंड्रेला की छूटी हुई सैंडल को सबको पहना कर देख रहा होता है। सिंड्रेला की सौतेली बहन भी उसे पहनती है और वो सैंडल उनके पैर पर फिट नहीं आ रही होती। उनकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैर का अंगूठा काटना होगा। वो अपनी बेटी के पैर का अंगूठा काट देती है पर वो उस सैंडल को पहनकर अच्छे से नहीं चल पाती, जिससे राजकुमार समझ जाता है कि ये इनके पैर के साइज की सैंडल नहीं है। तभी वहां पर सिंड्रेला आती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने होते हैं और जब राजकुमार उसे सैंडल पहनाता है तो वो उसके पैर में एकदम फिट आती है। राजकुमार समझ जाता है कि ये सैंडल यानी कि वो लड़की सिंड्रेला ही है। वो सिंड्रेला को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। तभी सिंड्रेला के वो पक्षी जो सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे वो उसकी सौतेली बहनों की और माँ की आंखें फोड़ देते हैं जिससे वो अंधी हो जाती है। कुछ वक्त बाद इनकी शादी होती है जहाँ पर पूरा गांव आता है। यहाँ पर बेकर और उसकी पत्नी भी आती है जिनका अब बेटा भी हो चुका है। रिपंजल और राजकुमार का भाई भी अब दोनों एक हो चुके हैं। और जब इनकी शादी हो रही होती है तभी यहाँ पर भूकंप आता है। राजकुमार सबको अपने गाँव लौटने के लिए कहता है और तभी हमें जंगल में वैसा ही पेड़ दिखता है जिस पेड़ से वो लड़का जाइंट्स की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी जादुई बीन फेंका था उससे यहाँ पर एक और पेड़ उग गया होता है। बेकर उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ जंगल से होते हुए जब अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ता सारा बदला हुआ दिखता है। तभी वो देखते हैं कि वहां पर वो लड़की बैठी है जिसने उन्हें अपना केप दिया था। वो लड़की उन्हें बताती है कि हमारा पूरा गांव उजड़ चुका है, रास्ते बदलने की वजह से मेरी दादी का घर भी मुझे नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और तभी यहाँ पर एक फीमेल जाइंट आती है। ये उसी जाइंट की पत्नी है जिसकी मौत पेड़ काटने की वजह से हुई थी। वो कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए जिस लड़की की वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई। यहाँ पर विच भी होती है। वो जानती है कि पेड़ किसने काटा था। वो कहती है कि शाम तक हम तुम्हें वो लड़का दे देंगे। और इसके बाद वो जाइंट यहाँ से चली जाती है और अब सब के सब उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं बेकर जब उस लड़के को ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहां पर सिंड्रेला दिखती है जो अपने पुराने कपड़ों में होती है। वो बताती है कि उसने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि राजकुमार के कई और लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे। वही राजकुमार को दिखाया जाता है जो बेकर की पत्नी के साथ भी फ्लर्ट करता है। बेकर की पत्नी भी उसे मना नहीं करती। राजकुमार कुछ देर बाद वहां से चला जाता है और तभी उस जगह से वही जाइंट निकलती है जिस वजह से धरती कांपने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। और जब बेकर की पत्नी अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी के किनारे पर जाती है तो वो वहां से गिर जाती है।
जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये जाइंट के धरती पर आने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बेकर ने अपनी पत्नी को खोया था। वहीं उस लड़की ने जिसने बेकर को लाल रंग का केप दिया था उसने अपनी मॉम और दादी को, और जो लड़का हार्प ऊपर से चुरा कर लाया था जिसने पेड़ काटा था उसने भी अपनी मॉम को खो दिया होता है, यानी उन जादुई बीन्स की वजह से जिससे वो बड़ा पेड़ उगा और जाइंट धरती पर आया। इनके अपने लोगों की मृत्यु हो गई होती है इसीलिए सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन अंत में सब विच को ब्लेम करते हैं। विच कहती है कि हाँ ये सारी गलती मेरी थी और वो इन सब को कर्स करती है। साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे दोबारा पनिश करो, और तभी वहां पर टार का एक बवंडर बन जाता है जिसमें पिघल कर उसकी मृत्यु हो जाती है। बेकर अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी होता है इसीलिए वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ चलता है, पर तभी उसे अपने पिता का अक्स दिखता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की मृत्यु के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था, जो गलती मैंने की वो गलती तुम कभी मत करना, नहीं तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और वो वापस अपने बेटे के पास आ जाता है, और अब यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो सब के सब प्लान बनाते हैं कि वो उस जाइंट को उस टार में यानी कि तारकोल में फंसा कर मार देंगे जिसमें विच पिघल गई थी। और अब यहाँ पर जाइंट आती है जिस पर सबसे पहले सिंड्रेला के पक्षी हमला करते हैं, इसके बाद ये सब भी उस पर हमला करते हैं और उसे उस टार के यानी कि तारकोल के पिट तक ले आते हैं जिस पर गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही वो पेड़ भी टूट जाता है जिस पेड़ से वो नीचे आई थी। अब जितने भी लोग बचे हैं सब के सब अकेले हैं, इसीलिए बेकर सिंड्रेला और वो दोनों बच्चे एक साथ रहने का फैसला करते हैं। बेकर ये भी फैसला करता है कि वो एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।